हेलो गाइस, तो ये नेक्स्ट ब्लॉग है, तो वो ब्लॉग मैं नहीं ऐड किया था, काफ़ी बड़ा हो जाता तो इधर मैं पहुंच गई थी मंदिर के पास। पहले डायरेक्ट मंदिर ही जा रही थी, फिर इधर ऑनलाइन जो टिकट किए थे हम लोगों ने, वही ऑफिस है यहाँ पे रुद्राभिषेक के लिए और दर्शन के लिए। ऑनलाइन पहले ही 1 महीने पहले ही हम लोगों ने टिकट कर लिए थे, तो इधर पंडित वगैरह मिलेंगे और वो फार्म वगैरह जो किया था वो जमा हो रहे हैं, तो हम लोग वेट कर रहे हैं बैठ के। थक बहुत गए हैं, सफ़र करके आए हैं और गर्मी भी बहुत है, इतनी गर्मी है पूछो नहीं। तो साड़ी पहने तो और ज़्यादा गर्मी मुझे लग रही है भली हल्की साड़ी है पर गर्मी बहुत लग रही है। बच्चे भी भूख लगाई है, बच्चों को भी तो जूस वगैरह पिला दिया है बच्चों को, तो इधर मैंने तो कुछ नहीं खाया है अभी। मैंने कहा जब तक दर्शन और पूजा नहीं कर लेंगे तब तक नहीं खाएंगे। फिर इधर मंदिर पहुंच गई हूँ, ये देखिए मंदिर में मोबाइल अलाउ नहीं है, तो इधर जमा कर देंगे मोबाइल। ये बाहर का नज़ारा है, अंदर ले जाना नहीं है मोबाइल, अंदर ही रुद्राभिषेक और पूजा करेंगे। तो मोबाइल को इधर जमा कर दिया, निकल आए थे बाहर पूजा करके, फिर बाहर भी आ गए पूजा करके। देखिए भीड़ कितनी है, जो टिकट वगैरह नहीं किए हैं ऑनलाइन दर्शन के तो वो तो मानो सुबह से लेके शाम हो जाए, इतनी भीड़ है दर्शन करने के लिए। इतनी लंबी 1-2 किलोमीटर लंबी लाइन लगी है दर्शन के लिए। तो इधर दर्शन करके आ गए, देखो बच्चे रोने भी लगे, बनी तो बहुत तेज़ रो रहा है, उसको बहुत गर्मी भी लग रही है, भूखा भी है। तो दर्शन हो गए हैं, चप्पल इधर जमा हो गई थी तो उनको भी पहन लेते हैं, चलते हैं फिर जल्दी फटाफट। ज़्यादा वीडियो वगैरह भी नहीं बनाए क्योंकि इतनी तेज़ भूख लगी थी। ये देखो दोनों टूट पड़े आके नारियल पानी में, तो ये भी पी रहे हैं, बनी भी पी रहा है। तो देखिए कितनी लंबी लाइन है, ये देखिए 1 किलोमीटर में चल के आई हूँ पैदल। इधर मैं वो दिखा रही हूँ कि एक जैसे रंग की पेंट किया हुआ है, एक जैसा रंग। ये देख इतनी लंबी लाइन, बहुत भीड़। सावन का महीना चल रहा है भाई, भीड़ तो होगी। ये देखिए जब नारियल पानी उसको पिला दिया तब जाके आराम मिला। बच्चे भी खा गए थे, तो अब जा रही हूँ होटल। मैंने कहा पहले ये काम निपटा दूं, फिर जिसके लिए आई हूँ ना तो पहले लोग आराम करते हैं होटल में फिर जाते हैं, मुझे नहीं, मुझे चैन नहीं मिलती है। मैंने कहा जिस काम के लिए आई हूँ पहले वो निपटाती हूँ, फिर आराम करूँगी होटल में आराम से, फिर टेंशन नहीं रहेगी। तो अब जाऊँगी होटल, अभी तक नहीं गई हूँ। तो ये रेलवे स्टेशन से ही है होटल, होटल की भी हमारी ऑनलाइन बुकिंग थी पहले से ही, हम लोग कर लेते हैं क्योंकि इस समय इतनी सावन में भीड़ चल रही है, होटल ना मिले खाली फिर इधर उधर भटकते रहो। और इतना दूर लखनऊ से सफ़र करके आओ ना तो थकान तो हो ही जाती है, चाहे ट्रेन से आओ चाहे गाड़ी से आओ, थकान तो होनी ही है। और बच्चे भी भाई थका देते हैं तीनों। तो ये बस स्टैंड था, बस स्टैंड भी पास ही में है, रेलवे स्टेशन भी पास ही में है, तो आ गई हूँ होटल। ये देखिए ये रहा गेट, गर्मी तो पूछो मत, रिकॉर्ड तोड़ के गर्मी है बारिश नहीं हो रही है बिल्कुल। ये है होटल, सिटी इन होटल है, देखते हैं अंदर कैसा होटल है। ये देखिए आपको इसका ब्लॉग भी डालेंगे तो आप लोग देखना कैसा होटल है, जो कोई घूमने आए बनारस में तो आराम से ले सकता है उसको, अगर ट्रेन से आए तो बिल्कुल दिक्कत नहीं है। जस्ट उतरो स्टेशन पे और सामने होटल है सिटी इन, ये देखिए। तो गाड़ी लगा देते हैं पार्क में, तो ये अपना भी फॉर्म वगैरह चाबी वगैरह ले रहे हैं, जो होटल की होती है फॉर्मेलिटी वो पूरी कर रहे हैं, फिर चलते। इसको इतनी तेज़ भूख लगी थी, मैंने इस डोलची लेके चलती हूँ अपना दूध वगैरह, तो इसको पिला दिया है तो अपना शांत लेट गया है। बहुत थकान हो गई थी गाइस पूछो मत हालत ख़राब हो गई थी।
और गर्मी में, सर्दी हो ना तो इतनी हालत ख़राब नहीं होती, गर्मी में थकान आदि गर्मी से हो जाती है। तो आ गई हूँ ऊपर, ये देखिए मिल गया रूम। बस जस्ट कपड़े चेंज करके लेटूंगी, रूम में आके देख के सुकून मिल गया। माय लड्डू गोपाल, इनको भी बिठा लेते हैं साइड में, मतलब लड्डू गोपाल को भी अंदर नहीं ले जाने दे रहे थे मंदिर में। तो मैंने कहा चलो मैं गंगा जी का स्नान करा दूंगी। तो बस लाइट वाइट बंद करके सो गई। थोड़ी देर लेटते हैं, अभी खाना, अभी जल बार बार लाइट बंद कर रहे हैं कि सोना है सोना है। मैंने कहा अभी रुक जाओ, तो खाना का वेट करेंगे, खाना खाएंगे पहले, खाना पे टूट पड़ेंगे, इतनी तेज़ भूख लगी है। एसी चला रहे हैं ये, इतनी गर्मी में एसी भी काम नहीं कर रही है। ये देखिए हालत, कह रही हूँ देखो मेरी हालत कैसी है, पसीना बहुत थक गई हूँ। साड़ी भी हालत ख़राब हो गई है, साड़ी पहन के आई थी, पर पूजा में अच्छा नहीं लगता ना सूट, और साड़ी ही अच्छी लगती है, तो मैंने पहन ली थी। ये चिल्ला रहे थे सूट ही पहन के चली आती है, इतनी भीड़ है अलग से, तो कपड़े चेंज कर लिए हैं। वो देखो कपड़े वपड़े उतार के फेंक दिया है। तो मैं भी मुँह धो के आ गई हूँ, थोड़ा फ्रेश फील कर रही हूँ कपड़े चेंज करके। ये भी अपना उतार लिए, बहुत थक गए थे, गाड़ी चला के आए हैं, ये पीठ दबा रहे हैं उससे। आओ बनी मेरी पीठ दाबो, ये देखिए कैसे दाब रहा है, ये सबका शरीर ऐसे ही दाब देता है। खड़े होके कूद कूद के तो पीठ दबा रहे हैं, ये भी थक गए हैं सफ़र करते करते। तो आप पानी पियेंगे, पानी भी नहीं पिया था ये रास्ते में, बस ये पेड़ा खिलाए थे लेके कि खा लो, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा अभी पहुंचने में। तो अब पहले पानी पे टूट पड़ती हूँ, खाना तो ऑर्डर कर दिया है, तो मैंने कहा पहले पानी पीऊँ। तो इधर पानी पी रही हूँ, वो देखो टीवी चला दी है। अब होटल में आते ही तीनों शांत हो गए, नहीं तो रास्ते भर परेशान कर लिए। हाँ पानी यानी पी के वेट कर रहे हैं खाना आ जाए, बहुत तेज भूख लगी है। तो मेरी काली ड्रेस कैसी लग रही है? कभी नहीं पहनी है, पहली बार काली कपड़े पहने हैं। मैंने कहा चलो चेंज करके यही पहन लेते हैं, थोड़ा आराम रहेगा। तो आ गया है खाना भी हमारा, चलिए खाना भी खा लेते हैं। ये देखिए खाना भी आ गया, मनी भी कपड़े वपड़े उतार के फेंक दिए। कपड़े तो मानो इतने भीग गए थे पसीने में, जैसे निचोड़ लो। चलते चलते 1-2 किलोमीटर वहाँ से पैदल चलना पड़ता जहाँ गाड़ी पार्किंग होती है, और इतनी गर्मी धूप बहुत में तेज पैदल भूख चलना लगी, देखो बहुत टूट कठिन पड़ा होता है। सलाद पे। नींबू है वो? ये देख खाना चलो भैया खाना बहुत खा तेज लगा, लेते हैं गाइस नींबू है। जल्दी से आप लोग लपेट भी खा जाए। लीजिए। हाँ ये सही बात हाँ है, वो देखो नींबू इसको खाना पे तसल्ली नहीं टूट हो रही, पड़ी है देखो देखो सब। खाना देख के कह रहा जल्दी जल्दी खाऊं, बहुत तेज भूख लगी है। मैंने कहा आराम से खाओ, खाना भागा नहीं जा रहा है। तो खाना आना खा के सो गए थे, फिर सो के मन, ये लोग तो उठ ही नहीं रहे थे सो के, थोड़ी देर आराम कर लिए। जहाँ आँख खुली तो 8 बज गए डायरेक्ट। मैंने कहा 4 बजे तो आई थे, 4 बजे से सीधे डायरेक्ट 8 बज गए। तो सो गए थे, थोड़ा आराम मिल गया सो के। तो मैंने कहा चलो अब नीचे चलते हैं, थोड़ा मार्केट वगैरह यहाँ का देख लें कैसा है। तो नीचे घूम के आते हैं, तो ये लोग उठ ही नहीं रहे हैं। जहाँ ये लोग एक बार सो जाए ना तो उठते नहीं हैं, बड़ा मुश्किल होता है इन लोगों को उठाना। तो मैंने कहा मनी यहाँ पे सोने आई हो होटल में, घर पे भी सोती हो, यहाँ पे घूमने आए ना तब उठी है,
हम भी रेडी हो गए, आपकी बार बोतल ले लिए पानी की आंत में। बच्चों को कहीं भी पानी की प्यास लगाती है, तो ये भी कपड़े चेंज कर लिए हैं। तो मैं कुछ बोल रही हूँ किन से। चलते हैं नीचे, बने रहिए ब्लॉग में। तो इधर जा रही हूँ लिफ्ट से, इसमें भी चटर पटर कर रहा है बटन लिफ्ट में, शांत नहीं खड़ा हो सकता है। जहाँ ये बटन चटर मटर कर देता है तो लिफ्ट फिर वहीं स्टॉप हो जाती है, चलती नहीं है। कुछ सिस्टम बिगाड़ देते हैं ये लोग, तो जा ही नहीं रही थी, वहीं पे खड़ी होके रह गई थी। मैंने कहा खोलो चलते हैं सीढ़ी से, एक ही तो वो है, तो सीढ़ी से नहीं, फिर चली गई थी, आ गए थे नीचे। होटल काफ़ी अच्छा है, होटल है, साफ सफाई भी अच्छी है। तो जाएंगे नीचे घूमने, शाम के तो थोड़ा आराम रहता है घूमने में, दिन में तो इतनी तेज़ धूप हो जाती है पूछो नहीं। ये देखिए गौतम बुद्ध की फोटो कितनी अच्छी है। तो आ गई हूँ नीचे, अब गाड़ी से नहीं जाऊँगी क्योंकि जाम बहुत होता है शाम के, तो गाड़ी फंस जाती है। मैंने मना किया गाड़ी से नहीं चलते हैं, गाड़ी लगी रहने दो पार्किंग में, यहाँ से मिल जाते हैं ऑटो रिक्शा काफ़ी अवेलेबल। मिल गया ऑटो, अब देखिए गैस कहाँ जाते हैं। तो ये ऑटो वाले ने तो एक शोरूम में रख दिया आके कि यहाँ पे मैडम कपड़े बनते हैं, साड़ियाँ बनती हैं। तो मैंने कहा चलो बनारस की साड़ियाँ देख ली जाए कैसी हैं। तो काफ़ी देर बैठे रहे, पर पुराना था, वहाँ से चले आए दूसरे शोरूम में आए, यहाँ पे तब भी ठीक ठाक लग रही थी। बनारस में नाम है भाई बनारसी साड़ी, बनारसी सूट, ये देखिए काफ़ी अच्छे थे। कुछ समझ में नहीं आया हम लोगों को क्योंकि ऐसे लोग ऐसी साड़ी सूट तो थोड़े एजेड लोग पहनते हैं, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैं चली आई हूँ। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर आगे आपको दिखाते हैं कहाँ गए थे घूमने, क्या किया क्या नहीं। तो इधर लिफ्ट नहीं चल रही थी, फिर सीढ़ी से ही जा रहे हैं, तो मैंने कहा चलो सीढ़ी से ही चले जाते हैं ऊपर। तो सीढ़ी से चढ़ गए। तो गाइस पूरा ब्लॉग ज़रूर देखना, आप लोग पूरा ब्लॉग नहीं देखते हैं तो नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। बाय सभी को।